कोलकाता को यूपी क्यों बना रहे हो? तब हगर को उसी नहीं बैठाया, और आज जब उन लोग का रोजी रोटी जम गया, सबका दाल रोटी से किसी तरह पेट चल रहा था, आज तो पढ़ लिख के टीचर का एग्जाम पास करके उसको वो नौकरी नहीं दे पा रही है। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बाल बनवा रहा है, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं है। लेकिन आज अपने अपना घर बेच के, जमीन बेच के, जेवर बेच के, दाल रोटी का आसरा कहीं पर दुकान लगा, कहीं पर ठेला लगा, कहीं फल बेच रहा है, तो उनको बहुत नागवार गुजरा है। इतना तरह से हमारा घर चल रहा है, तो आप उसमें भी आके बुलडोजर चलवा रहे हो, कोई हो चुका है और बहुत सारा बात है, कैसे कौन क्या कैसे क्या गुजारा करेंगे उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग मरने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो एडमिट मुझे कुछ नहीं दे रही है। हम लोग इलाके में सबसे बड़ा मसला जो शायद अभी एडमिनिस्ट्रेशन का नजर पड़ा नहीं है, खाल किनारे जाइए, पूरा नया इलाका बसा दिया, वो आदमी कहाँ का, ये लोकल आदमी है, जो बसा नया है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है? परिवार को चलाने के लिए परेशानी तो अभी होगा, क्योंकि दुकान अभी तो लगेगा नहीं, फिलहाल जिसका टूटा है, एक आदमी काम आता है तो घर 10 आदमी खाते हैं, उतना माल भी नुकसान है, उतना पैसा नुकसान है, कौन देगा? सरकार देगा, ममता बनर्जी देगी, कहाँ से खाएंगे हम लोग? अब आगे अल्लाह मालिक। सोमवार को 99 बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त निर्देश के बाद बंगाल के कई जिलों सहित कोलकाता के कई जगहों में फुटपाथ सफाई अभियान जोरों पर चल रहा है। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को भी बुलडोजर से ढहाने का काम जारी है। इसी क्रम में आज राजा बाजार में भी अवैध तरीके से फुटपाथ पर लगाए गए दुकानों को पुलिस प्रशासन व नगर निगम द्वारा हटाया गया, जिसके बाद यहां के हॉकरों में रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सुनिए, कॉर्पोरेशन जब आई बुलडोजर लेके, तो हमारा मानना ये है नुकसान हुआ वो नुकसान हमारा नहीं होता, मैं अपना सामान को सेव कर लेता, और इस तरह से जो हजारों लोगों को नुकसान हुआ है, किसी एक लोगों का नुकसान नहीं है, ये हजारों लोगों का नुकसान है। और पुलिस वालों ने जो बदसलूकी की हम लोगों के साथ, वो भी सही नहीं है। जैसा कि सुबह में मैंने कहा, पुलिस वालों से मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ टाइम दो मुझे, ताकि मैं अपने सामान को सही जगह, सेफ जगह रख लूं, उसके बाद आप तोड़ो। मैं मानता हूं कि ये कोर्ट का परमिशन है या सेंट्रल का परमिशन है, मैं उससे एग्री हूं, बट क्या मुझे कॉर्पोरेशन वाले कुछ टाइम दे सकते थे? अगर मुझे टाइम मिला होता तो मैं अपने सामान को सेफ कर लेता है, बिकॉज यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे जो है सामान बर्बाद हो गया, क्योंकि जब बुलडोजर वाले आए तो उन्होंने स्टार्ट जो किया, स्टार्टअप जो उनका था, वो इस वेव में था जिस वेव में योगी सरकार करती है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको ठीक है तोड़ना है, तो आप यूपी को क्यों बना रहे हो? कोलकाता को, हमारे कोलकाता को यूपी क्यों बना रहे हो? हमारे यहाँ गरीब भाई लोग 2 पैसे कमाते हैं, उनका 2 पैसे का रोजगार है, वो चाहे वो सड़क पे लगाते हैं, ठीक है, आप सड़क पे लगाते हैं तो आप उनको रोको, ठीक है, आप सड़क पे नहीं लगा, आप हटा लो, कहने पर तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं हटाता है, सभी हटाता है, बट क्या है कि आपने आते ही अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, जैसे यूपी में योगी ने ऑर्डर दे दिया और इस तरह से बुलडोजर आया और तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ने से पहले देखो कौन लीगल है कौन अनलीगल है, अंदर वाले दुकान पे भी हमला कर दिया, हमारा हुक था अंदर में, हमारा दुकान है, हमारा हुक था, हमारा क्लेम था, उसमें बांस में कनेक्टेड था, अपने बांस को डाना, हमारा नुकसान हुआ। तो ये मुझे क्या, पूरी जनता को ये चीज़ मंजूर नहीं है, ठीक है, हमारा कुछ गलती हमारी हुई कि जो हमने एक्सचेंज किया हुआ रोड पे था, तो आपने मुझे नोटिस किया होता कि आप नोटिस दिया होता कि भाई आप अपना सामान हटा लो, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूँगा, आपने कुछ नहीं बोला, किसी को कोई नोटिस नहीं मिला, आपने आया सुबह में आते ही आपने शुरू कर दिया तोड़ना, ये तो इलीगल है। चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, कुछ टाइम देना होता है, वो टाइम से क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम आपने 1 घंटा 2 घंटे का टाइम दिया, भाई 2 घंटे में आपने अपना सामान हटा लो, अब गरीब हैं, हॉकर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको आपने किसी तरह का इंतजाम नहीं किया है, आप कहीं पे कोई ऐसा जगह शिफ्ट करते हो उनको कि भाई चलो यहाँ पे तुम लोग नहीं करो, गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके लिए कोई जगह दूसरा शिफ्ट करते, तो हॉकर लोग वहाँ चले जाते, यहाँ खाली कर देते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ
आते ही बुलडोजर वालों ने, पुलिस वालों ने शुरू कर दिया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हम बिल्कुल खाली करना चाहते हैं। तो बहुत रोकने के बाद सेकंड टाइम में जब हम लोगों ने ऑप्शन किया कि जब तक आप लोग स्टे नहीं दिखाओगे तो हम तोड़ने कैसे देंगे, तो फिर वो लोग चले गए। अब फिर वो स्टे लेके कल आएंगे, क्या करेंगे कल वो मालूम नहीं। बट मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, हमारे तरफ से ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएं, हमारे पास कोई ऑप्शन आपने दिया नहीं। आप बिल्कुल योगी सरकार के तरह बंगाल में ट्रीट कर रहे जनता को, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप मुझे ऑप्शन दो, अगर मैं ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जाए। आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, आपने गरीबों को कोई रोजगार नहीं दिया, आपने हॉकर्स के लिए कुछ सोचा नहीं, आप आए और बुलडोजर चालू कर दिया योगी बाबा के जैसा, तो ये तो न्याय, ये अन्याय, ये न्याय नहीं है। न्याय ये जब होता जब हमारे लिए आप कुछ किए होते, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप 15 साल हो गया, आपकी सरकार है, हमारी दीदी सरकार चला रही है, हमारे लिए कुछ नहीं किया आपने। जब मैं 2 पैसा कमा रहा हूँ, किसी भी तरह से हमारा घर चल रहा है, तो आप उसमें भी आके बुलडोजर चलवा रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं गवर्नमेंट का, कोई इंटरफेयर। आप लोगों की तोड़ दी गई है, तो कल से फिर क्या होगा? आप अपने परिवार कल से का क्या होगा? कल से बस यही करेंगे हम लोग, भूखे मरेंगे। गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी और सरकार जिम्मेदार इसकी होगी। जो भूखे लोग होंगे, जिनका घर चलता है, जिनका घर चलता है इन फूड से, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मरने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं दे रही है। बंगाल मैं बिल्कुल कब्जे की बात नहीं है, आप मुझे ऑप्शन दो, आप मुझे नौकरी दो। हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग, ग्रेजुएट लड़के लोग हॉकर बने हुए हैं, अगर गवर्नमेंट उन्हें नौकरी देगी तो क्यों ये यहाँ पे रहेंगे? गवर्नमेंट का नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कहीं पे कोई फैक्ट्री नहीं नया लगा रहे है, जो आ रहा है फैक्ट्री वो वापिस बंगाल से चला जा रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी? 2 पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए उन्हें रोड पे आना पड़ेगा। अगर वो रोड पे नहीं आते हैं तो वो करेंगे क्या? वो चोरी करेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? वो अगर किसी का मर्डर करेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? किसी का छिनते करेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो उससे बेहतर हम लोग ये करते हैं, कोई आम का डाला लगा रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई शरबत बेच रहा है, कोई 2 पैसे का जो भी रोजगार कर रहा है वो रोड पे ही करेगा ना, कहाँ जाएगा? अब हर किसी के पास 10 लाख 20 लाख रुपया है नहीं जो कोई दुकान रेंट पे लेके उसको चलाए या कुछ इस तरह का बिजनेस वो कर पाए। मगर गवर्नमेंट हमारे इन चीजों पे बिल्कुल ख्याल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन हॉकर्स को, उन गरीब तबके के लोगों को जो पड़े हुए हैं, उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए या उनके लिए कोई जरिया बनाना चाहिए जो कि वो अपना रोजी रोटी उससे वो चला सके। मगर गवर्नमेंट यहाँ की बिल्कुल नाकाम है, वो कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, हम जनताओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि योगी और ममता में कोई फर्क नहीं बचा है। बस इतनी सी बात है कि मैं ममता दीदी को मानता हूँ, दिल जान से मानता हूँ, और मैं उन तक अगर हमारी वीडियो ये पहुँचती है तो दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से योगी कर रहे उस तरह से आप नहीं करो। आप अगर ये हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो उस ऑर्डर पे आप ऑब्जेक्शन करो कि मैं अपने लोगों को सेफ साइट कर लूं, उसके बाद गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल जो भी चाहे वो करे। मगर मैं अपने सेफ साइट किया नहीं, आपने कुछ गरीबों के लिए किया नहीं, आपने बताया कि मैं इतना दुकान बना के गरीबों को दूंगा, आपने दिया नहीं। आप ये बोला कि मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा, आपने दिया नहीं। उसका बाद जो रोजगार कर रहे थे उनका भी रोजगार खत्म कर दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बस ये रास्ता है कि गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए और हमारे लिए कोई जरिया बनाया जाए ताकि मैं यहाँ नहीं वहाँ 2 पैसे का रोजगार कर सकूँ। समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, अचानक में ऐसा मामला आया जो हम लोग कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है,
बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे दुकान को तोड़ दिया गया है, लेकिन अचानक में जब मालूम हुआ तो हम लोग निकले बाहर, बहुत सारा ऐसा नुकसान सामने आया, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग रोक नहीं सक रहे हैं उसको, मना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मतलब हॉकर्स लोग जितने भी होते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम यही होता है, परिवार को अब कैसे पालन पोषण करेंगे जिस तरह से दुकान ही अब नहीं रही, डाला ही नहीं जी, जिस तरह दुकान अभी बंद हो चुका है तो समझिए सोर्स ऑफ इनकम तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, और बहुत सारा बात है कैसे कौन क्या कैसे क्या गुजारा करेंगे उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, बात है दुकान लगेगी ही नहीं तो खाने का रास्ता कहाँ से, कोई रास्ता तो बचा ही नहीं। देखिए भाई एक बात यहाँ चाह रहे आपको, भाई लोग का दुकान टूटा है थोड़ा सा भूल सुबह हम उसके सामने बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूरा एकदम मैंने आदमियों का सीधा मार दो ऐसे, थोड़ा वक्त उसको समझा के भैया थोड़ा सा अंदर कर लो, थोड़ा तरीके से लगाओ, इन लोगों को भी सुनना चाहिए। और दूसरा मसला जो हम लोग के इलाके में सबसे बड़ा मसला रहा, जो शायद अभी एडमिनिस्ट्रेशन का नजर पड़ा नहीं है, खाल किनारे जाइए, पूरा नया इलाका बसा दिया, वो आदमी कहाँ का, ये लोकल आदमी है, बात समझ रहे हैं आप, ये लोग तो लोकल आदमी है, गलती किया बेचारा को तो बहुत भुगतान भुगतना पड़ा, तो दिख रहा पूरा दुनिया को दिख रहा, मीडिया को सबको दिख रहा, और वो जो एक नया इलाका जो बसा है वो कहाँ का आदमी है, उसका नजर है किसी के ऊपर, कोई देख रहा है, हम लोग के इलाकों को पूरा तबाह कर दिया, वो खालदार पूरा बच्चे लोग खेलने की जगह बनाओ वहां पर, खाल किनारों को साफ सुथरा करो, वहां तो पूरा नया इलाका बसा के उन लोगों को छोड़ दिया है, वो कहाँ से आया है, सब पब्लिक पूछ रहा है कहाँ से आया भाई ये लोग, हम लोगों को तो कोई नहीं वहाँ का, इसका भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ये काम मीडिया है सॉरी मैंने एडमिशन ने किया है कुछ हद तक सही है, जरूरत था थोड़ा छाटना था, इन लोगों से भी गलती यही हुआ है कि समझ नहीं पाया, वार्निंग मिला बेचारे लोग को समझ नहीं पाया, शायद वक्त में वक्त से पहले समझ जाता, हो सकता है इतना ज्यादा चोट नहीं लगता है लोग को, बस में आया, लेकिन हमारा बोलने मतलब जो खाल किनारे जो पूरा एक नया बस्ती बना हुआ है उसका बारे में जरा सोचिए सोचवाइए, है ना भाई, बोली सही बोले बेटा, वो आदमी लोग कहाँ से आया है, दो चार पाँच दस हजार पता नहीं कहाँ से आया है, उसके बारे में लाखियों का मान लो चलो ठीक है लाख बोल दे, हम तो गिना नहीं बैठ के, वो जाके देखिए ना पूरा इलाका हम लोग खराब कर दिया, वो तो क्या नहीं वहाँ पे हो रहा है, अब जाके देखिए दो मिनट खुद उसका बारे में कौन बोल रहा है, अब बहुत अले वो तो हमसे पूछ रहे आप तो नहीं मालूम, तो आप मालूम कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मालूम करेगा, सामने थाना वो मालूम करेगा, तो हमारा काम इनका काम है मालूम करना, हम लोग दो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, रोजी रोजगार करेंगे ना, हम मालूम करेंगे कौन कहाँ कहाँ से आया, इतना जान नहीं सब शक्ल यहाँ का है, हम लोग का बेटा 55 साल उम्र है, बहुत पुराना आदमी हम लोग यहाँ का है, हमको मालूम ही सब लोकल आदमी है, लेकिन वो मालूम हम खुद लिख के दे देंगे, कहाँ से तुम बोलोगे, तो घर का पता नहीं मालूम मेरा लाल उसका कहाँ से आया है। अच्छा ये बताइए कि इस तरह से जो यहाँ पर दुकानें उजाड़ दी गई, तमाम हॉकर्स के जो डाला थे वो हटा दिया गया, अब ये लोग अपना पालन पोषण घर परिवार कैसे चलाएं, अल्लाह देखिएगा सबका मालिक अल्लाह है, ठीक है एक जाहिरी नक्शा था ये बात सही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी जो मेहनत कर रहे हैं जो आप भी बढ़ा कर रखे हैं करके, ये भी आपका मेहनत है, तो मेहनत अल्लाह ताला फिर रास्ता निकालेगा, वही रास्ता निकालने वाला है, लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, यही होगा वक्ती तौर पर परेशानी आएगा, वक्ती परेशानी भी होगा बात सही है, महीना दो महीना दस महीना अल्लाह बता जाने कब तक परेशानी आएगा, तो रास्ता निकल ही जाएगा बेटा, लेकिन मसले का हल यहाँ नहीं है, हम ये बोलना चाह रहे हैं, मेरा बोलने का हमको बोलने का शौक नहीं यहाँ पर है, तुम्हारा हमको इससे बोलने सिर्फ इतना शौक है कि वो इलाका जो बसा नया है उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है, बस ये तुम पहुंचा दो सुबह में जी। अच्छा। कुछ तो हम लोग को बोलना चाहिए, जैसे कि हम लोग अपना अपना स्टॉल हटा देते हैं, कुछ मौका ही नहीं मिला, आप किस चीज का स्टॉल लगाते हैं, चप्पल का शॉप लगाते हैं, बाकी जिसका कपड़ा का ज्यादा नुकसान हो गया, हम लोग तो क्या हुआ, हम लोग फिर नहीं वो माल को रिपेयरिंग कर लेंगे, मगर कपड़ा वाला का ज्यादा नुकसान हुआ, कपड़ा जो खराब हो गया होगा वो तो एकदम बेकार, हाँ कोई टाइम नहीं दिया, वो तो सुने पुलिस है, अब हुकूमत है जो बोलेगा वही सुनेगा, हम लोग क्या सुनेगा, कोई मौका भी आपको नहीं मिला, कोई मौका नहीं। अच्छा नुकसान बताइए कितना नुकसान, नुकसान तो काफी रुपया का नुकसान हुआ है, एक स्टॉल बनाने में कम से कम 50,000 का खर्चा होता है, वो सामान तो अलग गया, सामान का तो बता ही नहीं सकते, जिसका जिसका कपड़ा है उन सबका तो ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा तो ये बताइए कि जो लोग आप लोग हॉकर्स हैं इसी इस रोजी रोटी पे पूरा डिपेंड, यही हम लोग का रोजी रोटी, हम लोग का पीछे दस दस, अब क्या होगा, कितना परेशानी होगी परिवार चलाने, अब आगे अल्लाह मालिक। बोलना है कि ये जो हुआ ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद ही क्यों हुआ, इलेक्शन के बाद इलेक्शन से पहले होता तो क्या इन लोग को वोट का जरूरत था, इसलिए हम लोग का वोट ले लिया, उसके बाद हम लोग के ऊपर ये कर दिया ऐसा तो नहीं ना होता है,
तो फिर ऐसा यही बात है कि बहुत सारा गरीब लोग है। और एक और बात है, सेकंड पॉइंट, हम लोग को एक तो पहले से ये भी दे देता, हम लोग को एक तो अलर्ट कर देता कि ये दुकान हम लोग करने वाले, ताकि हम लोग दूसरा जगह शिफ्ट कर लेते। ये इतना तरीका, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। जिस तरीका से हम लोग बोलते थे कि घासे रूपा जोड़ा फूल देश बचावे, तृणमूल देश बचा रहा भाई। पूरा राजा बाजार हम लोग का एक तो मिसाल था ऑल ओवर बंगाल की, एक तो यूनिटी हम लोग राजा बाजार में। अभी ऐसा करिए तो फिर कैसे चलेगा? ये इकलौता ये दुकान वगैरह हम लोग का बहुत असर पड़ेगा। आपका हम लोग आपका चप्पल का स्टॉल था जी, आपका भी हम लगा चुके हैं, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा आगे आगे का कर, मतलब वहाँ से लेके यहाँ पूरा मोड़ तक जो है पूरा पूरा पुलिस को किसी का सुनेंगे ना उन लोग तो बस छुरी लेके आए, डंडा लेके आए, बस ऐसा। मतलब उन लोगों को कुछ बोलेगा तो बोला कि आप लोग क्या जेल में जाना है, बस उन लोग का यही बात, जेल में जाना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कितना बोलेंगे? क्या डिमांड है? हम लोग का बस डिमांड है कि जैसा हुआ है हम लोग को कहीं और शिफ्ट करके दीजिए, हम लोग को कुछ, हम लोग इसके बदले हम लोग को कुछ फंड, हम लोग को कुछ तरीका, हम लोग हेल्प चाहिए हम लोग कुछ, हम लोग क्योंकि हम लोग ये एक सोर्स है हम लोग का पूरा रोजी रोटी का। फिर ये तो गलत हो जाएगा ना मैम, जो बुल्डोजर चढ़ाया वो वही में चल गया, पूरा बर्बाद हो गया। मेरा कपड़ा का है। आपका भी कोई कपड़ा बचा या नहीं? मेरा नुकसान नहीं हुआ, मेरा जैसा होती है। अच्छा, हम लोग डेली लगाते हैं, डेली उठाते हैं, इसीलिए हाँ, हम लोग का कोई दुकान नहीं था, हम लोग फुट पे थे, हम लोग का दुकान पीछे, हम लोग का नहीं टूटा। यहाँ का जितने दुकान है सब तोड़ दिया, बुल्डोजर चला गया। किस तरह से परिवार चलाने में अब परेशानी होगा? परिवार तो चलाने के लिए परेशानी तो अभी होगा, क्योंकि दुकान अभी तो लगेगा नहीं फिलहाल, जिसका टूटा है। एक आदमी काम आता है तो घर 10 आदमी खाता है उसका। अब समझ जाइए यहाँ का कंडीशन क्या है, यहाँ कोई एजुकेटेड ना पढ़ा लिखा नहीं है। जो आदमी या सर्विस मिलेगा या नौकरी मिलेगा, जो कहीं जाके काम करे, 10,000, 5,000 या 15,000 कुछ भी कमा के लेके चले जाते, यही फूटी से सबका गुजारा चलता है। यहाँ पर चप्पल वाले के पास में तो आदमी देखा, वो 4 आदमी करता है काम, और 4 ही आदमी बेचारा को 250 रुपया रोज मिलता है, वो उससे परिवार चलाता है अपना। 4 आदमी डेली 4 आदमी काम का, वो बेचारा भी क्या करेगा, बोलिए 4 आदमी जो है वो तो बेरोजगार हो गया। वो सरकार उन लोगों ने नहीं आ रहा देखने के लिए, वो तो बेरोजगार हो गया। 4 आदमी कम से कम तो 250 करके तो डेली का 1,000 रुपया उन लोगों का घर चलता है, जिसमें तो बच्चा का पढ़ाई है, बच्चा का फीस है, वो इन लोगों को सरकार नहीं आ रहा। क्या डिमांड है सरकार? डिमांड यही है, जो बेरोजगार उसको रोजगार मिलना चाहिए, यही मेरा डिमांड है। गलत तो है मना भाई, गलत तो है ही है, तो जो देखेगा वो बोलेगा, सभी का पेट चलता है। ये तो टूटा वो बनाने में ही 50 खर्चा है, तो 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा? अभी सामान नुकसान हुआ, कहाँ से लाएगा? नुकसान जो अभी 50 बनाने में तो खर्चा है ना, कहाँ से लाएगा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया जो काम करता है वो आदमी, गरीब मीडियम क्लास का, वो उसका परिवार चलता है। अभी इसका घर कौन चलाएगा बताइए? जो बुलडोजर मारने का मार के चल गए, अभी जितना दिन दुकान बन रहेगा उसका रोज कौन देगा लाके? एक एक परिवार में 10 आदमी काम करता है, खाता है। बोलना क्या हुआ? अब बोलिए आप। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल कहना, जब उनको हुकूमत जमाना था तब को हगर को उसी ने बैठाया, और आज जब उन लोग का रोजी रोटी जम गया, सबका दाल रोटी से किसी तरह पेट चल रहा था, आज तो पढ़ लिख के टीचर का एग्जाम पास करके उसको वो नौकरी नहीं दे पा रही है। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई बाल बनवा रहा है, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं है। लेकिन आज अपने अपना घर बेच के, जमीन बेच के, जेवर बेच के, दाल रोटी का आसरा कहीं वो दुकान लगा, कहीं वो ठेला लगा, कहीं फल बेच रहा है, तो उनको बहुत नागवार गुजरा है। इतना लोग जो बेरोजगार हुआ बिफोर टाइम, पहले तो उनको नोटिस देना चाहिए था कि आप इसके लिए कोई इंतजाम कर लीजिए, वो तो कुछ किए नहीं। सबका जमा जमाया जो उखाड़ दिए, आज किसी का एक आदमी कमाने वाला है, 6-6 आदमी घर का मेंबर है, बच्चा का पढ़ाई है, स्कूल है, उसका फीस है, ट्यूशन है, सबका ममता बनर्जी पे करेंगी। आपका दुकान किस चीज का था? रेडीमेड गार्मेंट्स का। तो सामान बचा या बर्बाद? सब बर्बाद कर दी। सब बर्बाद था आपका? हाँ, कोई भी चीज बचा नहीं, सब बर्बाद। कुछ भी नहीं। कितना का नुकसान हुआ आप लोगों का? 1.5-2 लाख का तो माल था वहाँ पे, कपड़े का पूरा। अभी इस तरह से हम मान रहे हैं ये इलीगल था, लेकिन आप जॉब नहीं दे पा रही हैं, किसी को रोजगार नहीं दे पा रही हैं, कोई फार्म नहीं खुल पा रही हैं, कोई मिल नहीं ओपन करवा रही हैं, तो आदमी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। तो कोई चोरी नहीं कर रहा था, सब अपना रोजी रोटी पैसा लगा के, पूंजी लगा के, 2 पैसा फायदा कमा के जिंदगी गुजार रहा था, तो वो भी नागवार गुजरा। अब इतना जो फैमिली जो सबका जो कमाने वाला बैठ जाएगा, तो उसका घर कैसे चलेगा?
क्या डिमांड करते हैं आप लोग? ये जो की है बहुत गलत की है, सबसे बड़ी बात सबसे बहुत गलत की है। और इनको पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर ये भी नहीं कर सकते थे न्यूज में टीवी में कहीं पे अनाउंस कर देखे, हाँ देखिए हम लोग ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं की, आदमी सोया है 3 बजे रात में उठवा ली, किसी का दुकान ढा दी, किसी का फ्रिज तोड़ दी, वो कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी? हम लोग का कपड़ा दुकान हम लोग बाहर घूमने लिए दुकान बंद था, आगे चला दिया पूरा बुलडोजर, उतना माल जो नुकसान हो उतना पैसा नुकसान हो कौन देगा? सरकार देगा, ममता बनर्जी देगी, कहाँ से खाएंगे हम लोग? बच्चे है उसका स्कूल फीस कहाँ से आ गए सब वगैरह वगैरह बहुत सारा है। देखिए पूरा दुकान को क्या किया, देखिए सब क्या जितना दुकान था लाइन से, वो देखिए ना वो दुकान है मेरा, अच्छा वो वाला वो ही नहीं है, वो लोग आगे सीधे हम लोग दुकान तोड़ दिया। वो लोग कुछ तो इन्फॉर्मेशन देगा ना कि हाँ कि ऐसा सुबह में हम लोग आया सब सो के आगे तोड़ दिया पूरा दुकान,